पहले तो मैं एक बात ये सारे भक्तों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग बाहर से आरती दिखा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और कैची धाम की आरती सुबह शाम दिखा रहे हैं, इन लोगों से हमारा आश्रम और मतलब मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। ये सब प्राइवेट तौर में बाहर से दिखा रहे हैं और लोगों से पैसा भी मांग रहे हैं, सुना है, अकाउंट नंबर दे रहे हैं। तो मेरे सभी भक्तों से ये प्रार्थना है कि इसको बिल्कुल ही आप लोग फॉलो मत करिएगा। लोगों का ये अपना एक बिजनेस बना है, हम लोगों ने अखबार में भी डाल दिया है, प्रशासन को भी बता दिया है। अब बाकी जो भी कार्रवाई आगे होनी होगी तो प्रशासन भी करेगा और हम तो इस चीज़ को अब रोक ही रहे हैं। इसलिए मैं एक बार फिर कहूँगा, जितने भी लोग बाहर से वीडियो बना के सुबह की आरती दिखा रहे हैं, शाम की आरती दिखा रहे हैं, इन लोगों से यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इनसे इनको पैसा देते हैं या इनके मांगने पर पैसे देते हैं तो ये आप खुद जानिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर कोई ऐसा आदमी और आदमी ऐसा कार्रवाई करेगा, अब कानूनी कार्रवाई तो पकड़े जाने में देखिए, ये तो इस समय तो आप इसको रोक नहीं सकते हैं। हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक का अपना एक बना हुआ है। ये तो है, पब्लिक आपको सोचना चाहिए कि वो किस जगह किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। और अगर आ रहे हैं केवल महाराज के लिए तो महाराज के दर्शन करके जाएं, दो पुष्प चढ़ाए, फूल चढ़ाए, अपना जाएं, महाराज तो इसमें भी खुश हो जाते हैं। मंदिर की व्यवस्था तो हमेशा देखिए, अब तो वीकेंड में जहाँ भी छुट्टी होती है, महाराज की कृपा से इतनी भीड़ होने लग गई है, चाहे सैटरडे संडे हो, मंगल हो, आज का दिन जो है महाराज की पुण्यतिथि भी कहलाती है, मतलब आज महाराज की पुण्यतिथि है। तो महाराज की पुण्यतिथि में हम लोग ने सुंदरकांड का पाठ हमेशा ही रखते हैं और बाहर प्रसाद वितरण में महाराज का जो भी प्रसाद बना है, प्रसाद वितरण कर रहे हैं सब भक्तों के, जो भी मंदिर में दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको प्रसाद वितरण कर रहे हैं। अखबार में भी आ गया है, प्रशासन भी कह दिया है, अब ये चीज़ आपको शायद देखने को नहीं मिलेगी। मिलेगी तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर के फर्स्ट गेट से लेके अंदर तक कोई प्रसाद वितरण अब नहीं होगा। आपको तो पता ही है, बहुत बड़ी अभी मीटिंग हुई है सब, उसमें कमिश्नर साहब, DM और जितने विभाग वाले थे। तो ये प्रोजेक्ट जो है सरकारी है और बहुत धीरे मतलब वो अपना शीघ्र ही अपना काम शुरू करने वाले हैं, भविष्य में काम जल्दी होने की संभावना है।